केवल इस प्रसंग से एक ही बात पकड़ लीजिए, कोई न कोई विशेषकर माताओं के लिए निवेदन है, कोई न कोई धर्म की रेख चाहिए, मर्यादा की रेख चाहिए, अपने परिवार की मान मर्यादा की इज्जत आवरू की रेख चाहिए। मैं किस घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिताजी की कितनी इज्जत है, मेरे ससुर साहब की कितनी इज्जत है, मेरे पति का कितना बड़ा सम्मान है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है। नहीं नहीं, रेख का उल्लंघन नहीं करेंगे मर्यादा। जब भी महिला मर्यादा का उल्लंघन करेगी उस संकट में फंसेगी, उसे ब्रह्म भी बचा नहीं पाएगा। इसी वन में भगवान श्री राम है, इसी वन में लक्ष्मण जी है, लेकिन सीता जी का अपहरण हो गया भरी दुपहरी में। इसलिए इस कलिकाल में कोई पूजा, कोई पाठ, कोई भजन मनुष्य को नहीं बचा पा रहा है। केवल अगर बचा सकता है तो कोई न कोई जीवन की मर्यादा का संकल्प बचा सकता है। मेरे पिता की इतनी बड़ी जति नहीं, सर क्षमा करिए, मेरे बाप की नाक कट जाएगी, वो मुंह नहीं दिखा पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे पति का बहुत बड़ा सम्मान है, बहन तुम जाओ घूमने चलिए, मैं नहीं जा सक, बिल्कुल नहीं, वो मुंह नहीं दिखा सकते। नहीं सर, नहीं बहन, नहीं बहन, कोई न कोई मर्यादा चाहे परिवार की, चाहे कुछ भी, और कोई मर्यादा नहीं समझ में आती, कथा की मर्यादा का पालन करो। गुरु की भी मर्यादा अगर मानने को तैयार नहीं हो, कहां गुरु होते हैं, मान लिया मैंने, चलो नहीं होते होंगे, लेकिन कथा की मर्यादा का पालन करो। कितने लोगों ने देखा है हमको कि हम कथा सुन रहे हैं, ताली बजाकर कीर्तन कर रहे हैं, वो हमको यहां भी ताली बजाते देख रहा है और मदरा के बाहर भी झूमते देखेगा तो क्या सोचेगा, ओहो यही सीखने के लिए कथा में जाते थे क्या। तो कथा भी एक प्रकार की मर्यादा है, और इसलिए कथा सुनना सबसे बड़े खतरे का काम है। कथा सुनने के बाद आप हल्की हंसी मजाक भी नहीं कर सकते, जहां तहां खड़े नहीं हो सकते, जहां तहां बैठ भी नहीं सकते, जैसा वैसा खा और पी भी नहीं सकते, पूरी हर समय आपको भीतर से कथा बोलेगी, नहीं नहीं आप कथा में बैठे थे, आप यजमान बने थे, मंच पर आपका हमने स्वागत होते देखा था, और आप यहां और आप वहां भी थे और यहां भी हैं। तो ये इस कलयुग में भजन पाठ साधन साधना ये नहीं बचा पा रही है। घर घर में भजन हो रहा है, घर घर में ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ है, घर घर में पंडित जी पूजा करने आ रहे हैं, घर घर में आरती हो रही है, लेकिन देश की और सारे सब लोगों की दुर्दशा क्यों हो रही है, इतनी समाज इतना गिरते क्यों जा रहा है। चूंकि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं है, बाप दादों की मर्यादा मानो, हम उस कुल में जन्मे हैं, हमारे बाप की कितनी बड़ी इज्जत थी, हमारे बाबा जी का कितना बड़ा नाम था, हमारे खानदान के लोगों को कितना लोग सम्मान देते हैं, लोग क्या कहेंगे उस खानदान का, उस घर का बालक, और यहां ये कर रहा है। कोई न कोई मर्यादा चाहिए।